पश्चात हमारे बीच कुछ घोषणाएं अब हुई हैं, जिसमें श्री आर के पाटनी साहब कोटा गोवा वालों ने 151,000 की राशि एक दिन की सिद्ध चक्र महामंडल विधान में पूजन पुण्याजक के रूप में आपसे प्राप्त हुई है। साथ में श्रीमती सरोज जैन गाजियाबाद वालों से 51,000 रुपए की राशि एक दिन के त्यागी वृत्ति भोजनशाला में भोजन व्यवस्था के रूप में प्राप्त हुई है। साथ इनके लिए सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र परिवार से सादर शुभकामनाओं के साथ में और दो मंडल की भी स्वीकृति हमारे बीच प्राप्त हुई है, जिसमें हम संतोष जी जैन साहब झांसी गुड़ायतन ट्रस्टी के लिए प्राप्त हुई, बहुत धन्यवाद के साथ में तालियों के साथ अभिनंदन। और दूसरा मंडल हमारे बीच में नाम गुप्त है, उनका नाम घोषित नहीं है, वो भी एक गुड़ायतन ट्रस्टी है, उनके लिए भी तीर्थ परिवार की ओर से सादर अभिनंदन वंदन और धन्यवाद के साथ में निवेदन करता कि आप मात्र एक मंडल और इसी के साथ में गुरुदेव के चरणों में सभी कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव से निवेदन करेंगे, हे गुरुवर, हम सभी को जिनवाणी का ज्ञान बोध आपके मुखारविंद से प्राप्त हो, हम सभी का भी कल्याण हो, संसार में भटकते हुए समस्त प्राणियों के लिए कल्याण रूप वाणी का उद्बोधन करने का कष्ट करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के जपन के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़ लें। जय 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 जी।
काफी दिनों बाद अपने मित्र के यहाँ गया। बड़ा हैरान परेशान सा दिख रहा था। आगंतुक मित्र की इस दशा को देखकर उसने पूछा कि भाई इतने परेशान परेशान से क्या हो, क्यों लग रहे हो? उसने कहा, तुम्हें क्या पता कितने धक्के खाकर यहां आया। एक घटना ये है, धक्का खाना। आज धक्के की बात है, मैं धक्के की बात करूंगा और धक्के की चार बातें आपसे करूंगा। धक्का खाना, धक्का लगना, धक्का देना और धक्का पहुंचाना, चारों अलग अलग मुहावरे हैं, लेकिन हमारे जीवन में अलग अलग संदर्भ में ये अलग अलग जुड़ जाते हैं। सबसे पहली बात धक्का खाने की। आपने कभी धक्का खाया? क्या हुआ? रोज खाए। धक्का खाने का मतलब परेशान होना, भटकना। और सच्चाई ये है कि संसार का हर प्राणी अनादि से धक्का खाने वाला व्यक्ति यदि थोड़ी समझदारी का प्रयोग करे तो दोबारा इस तरह की परिस्थिति से बच सकता है। लेकिन गली गली में धक्का खाने के बाद भी व्यक्ति यदि उससे कोई नसीहत न ले तो उसके जीवन में कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। थोड़ा आप पड़ताल कीजिए, आपने कहां कहां के धक्के खाए हैं? क्या चारों गतियों में धक्के ही तो खाते आए हैं, धक्के खाते आए हैं, और उसके बाद भी हमारे अंदर समझ नहीं है। लोक में यदि कोई व्यक्ति कहीं धक्के खाता भी है तो उसका परिणाम अल्पकालिक होता है, लेकिन हम जो भाव भाव से धक्के खाते आ रहे हैं उसकी तरफ हमारी कोई दृष्टि ही नहीं है। थोड़ा विचार करो, मैं कहां से शुरुआत करूं अपने धक्के की? इस जीवन से शुरू करूं कि इसके पीछे के जीवन से शुरू करूं? बोलो। मैं यहीं से शुरू करता हूं और आज अपनी पूरी कहानी और उसकी एक झांकी आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमने जन्म लिया, जीवन जिया, अब तक जीवन के अनेक वर्ष बिता दिए, किसी के 10, 20, 25, 50, 60, 70 बसंत बीत चुके। इस जीवन में हमने क्या अनुभव पाया? हमारे जीवन का अनुभव क्या है? कुछ उपलब्धि या दुख और हताशा? क्या है दुख और हताशा? यह जीवन का आज पूरे जन्म भर का अनुभव है। हमने पूरे जीवन में जहां भी किया बहुत सारी उम्मीदों के साथ काम किया, लेकिन अंत उपलब्धियों से नहीं भरा। कदाचित कुछ उपलब्धियां हुई भी तो भौतिक उपलब्धि हुई, आंतरिक संतुष्टि हमें बहुत कम हुई। लोक में यदि व्यक्ति कहीं भटकता है तो दोबारा वैसी प्रवृत्ति नहीं करता, जीवन बदलाव ले आता है। भैया अब ज्यादा धक्का हमें नहीं खाना, हमसे अब ये नहीं होगा।
लेकिन तुमने जीवन के आदि से लेकर अब तक जो कुछ किया उसका निष्कर्ष क्या, उसका निचोड़ क्या है, कभी इस पर विचार किया? तो अब ये क्यों नहीं सोचते हो कि अब मुझे ज्यादा धक्का नहीं खाना? भव भवांतरों में धक्के खाए, और एक बात बोलूं, हमारा पैदा ही धक्का, जन्म ही धक्के से हुआ है ना। मां के पेट से बाहर आने की प्रक्रिया ही वही है, प्रसूति से लेकर के जीवन के अंत तक दुख का अनुभव हर मनुष्य को करना पड़ा है, करना पड़ता है। और इन दुखों के पीछे भौतिक कारण कम, मानसिक वजह ज्यादा है। मनुष्य अपनी मानसिक दुर्बलताओं के कारण ही दुखों का अनुभव करता है। काश वो अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर कर ले, जीवन में आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर ले, तो उसे ज्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनकी आदत ही धक्के खाने की पड़ गई हो, उनके लिए क्या कहें, आदत सी पड़ गई है। संत कहते हैं अपनी प्रवृत्ति को बदलो। जिन कारणों से तुम्हारे जीवन में हताशा होती है, जिन कारणों से तुम्हारा जीवन दुखी होता है, उसे बदलने की कोशिश करो। आपने अभी कहा कि हम धक्के खाते आ रहे हैं, चार गति और 84 लाख योनि में सब धक्के खा रहे हैं। भगवान कहते तुम नहीं मैं भी खाया हूं, कोई नहीं बचा। एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के संसार की सारी अवस्थाएं धक्के खाने की अवस्था है, जहां केवल दुख है और कुछ नहीं। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य को उसकी समझ नहीं है। एक इंद्री की अवस्था जहां हमारी चेतना का भी पूरी तरह आभास नहीं होता, इस जीव ने अनंतों वार धारण किया और छोड़ा, पेड़ पौधे मिट्टी पानी हवा अग्नि में हमने जीवन धारण किया और समाप्त किया। आगे बढ़े तो दो इंद्री से पंच इंद्री पशु पक्षी तक, कीड़े मकोड़े कीट पतंग और पेड़ पौधे के रूप में हमने कितनी बार जीवन धारण किया और छोड़ा, इसका कोई हिसाब नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आखिर कीड़े मकोड़ों की जिंदगी होती क्या है। सड़क चलते लोग कीड़े मकोड़ों को रौंदते चलते हैं, उनके पास उसके लिए कोई उपाय नहीं। पर यह जीवन का चक्र है जो चलता है, और हमने उसको कई बार पूरा किया है। एक दो बार नहीं, अनंतों बार हमने कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी है। इसकी हमें कोई स्मृति नहीं, के आगे हम कभी पशु पक्षी बने तो कभी वन्य प्राणी बने तो अपने से बलवान पशुओं के शिकार बने, कभी खुद बलवान बने तो क्रूर मनुष्यों के शिकार बने। अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदा से हम नित्य प्रति जूझते रहे, कभी सूखा कभी बाढ़ कभी आंधी कभी तूफान कभी भूकंप तो कभी दावानल, इसमें झुलस झुलस के हमने अपनी प्राण लीला समाप्त की। और कदाचित पालतू पशु के रूप में जन्मे मनुष्यों के मध्य तो गाय बैल घोड़ा गधा बनकर बोझा ही धोया,
छेदन भेदन बंधन और पीड़न की पीड़ा को भोगा। सर्दी गर्मी के आताप और त्रास को झेला। कभी लगता है मन में कि मैंने ऐसा जीवन भी जिया है। सड़क चलते हमें कीड़े मकोड़े दिखते हैं, पशु पक्षी दिखते हैं, जिनको घोर यातना और यंत्रणा के दौर से गुजरते हुए हम देखते हैं। कभी मन में इस बात का ख्याल आता है, अरे मैं भी ऐसे दौर से गुजर चुका हूं। नहीं लगता, लगता है। कभी ख्याल आता है किसी पशु को देखकर, कोई बैल अगर अपने पीठ पर अपने पीछे गाड़ी पर बोझा ढो करके जा रहा है, कोई गधा जिसके पीठ पर बोझा लदा है, कोई घोड़ा जिसे खूब ज्यादा कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उसे देखकर कभी लगता है अरे मैं भी ऐसे त्रास को अनंतों बार भोग चुका। कत्ल खाने की ओर ले जाए जाने वाले मूक प्राणियों को देखकर कभी लगता है कि मेरा भी ऐसे अनेक बार कत्ल हो चुका। शायद नहीं, भले तुम्हें लगे या न लगे, पर यह तुम्हारे जीवन की एक बड़ी सच्चाई है कि तुम ऐसे दौर से अनंतों बार गुजर चुके हो। और यही धक्का खाने का अनुभव है जिसे आज तुमने भुला दिया। नरकों में ऐसी वेदना तुमने अनंतों बार भोगी, ऐसी वेदना की वहां की धरती का स्पर्श करते हुए ही ऐसा लगे जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ काट खाया। ऐसी प्रचंड गर्मी की मेरू बराबर लोहा का पिंड पल में गल जाए। ऐसी कड़कड़ाती ठंड की वो पूरा पिंड पल में बिखर जाए। आपस में नारकियों को एक दूसरे के प्रति संत्रास पहुंचाने की पीड़ा अकथनी। हम जब कभी भी नरक की बात करते हैं तो कभी कभी कल्पना लोक में ले जाते हैं, और कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि ये सब कल्पना है। ठीक है, तुम्हारे हमारे मानने न मानने से किसी के अस्तित्व बनता नहीं बिगड़ता नहीं, वो शाश्वत तत्व है सो है। लेकिन मैं तुम्हें उस नरक की जगह इस जीवन के नरक का दर्शन कराना चाहता हूं, उससे एक अनुमान लग सकता है। सड़क चलते बहुत से ऐसे मनुष्य भी तुम्हें मिलेंगे जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऊपर से गलित कुष्ठ है, तन पर बैठी मक्खी को भी भगाने में मजबूर है। क्या ये उसके जीवन का नरक नहीं है? इस जीवन का नरक भूख के मारे पेट और पीठ मिलकर एक हो गई है, खाने को दाना नहीं है, क्या उसका इस जीवन का नरक नहीं है? पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, मुख से बोला नहीं जाता, खाने को दाने नहीं है, क्या ये उसके जीवन का नरक नहीं है? सड़क चलते कभी ऐसे व्यक्ति दिखते तो मन में ये विचार आया कि मैं भी कभी ऐसे दौर से गुजरा हूं। किसी भिखारी को, किसी अपाहिज को, किसी रुग्ण को, किसी पीड़ित को देख करके तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है? शायद यही आता होगा कि ये सब प्राणी दुख भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं, और मुझे तो लाइसेंस मिला है सारी जिंदगी सुखी रहने का। ये ख्याल नहीं होता बंधुओं, यही विचारने की बात है। ये उनके दुख की पराकाष्ठा है, लेकिन अंत नहीं। इस सीमा से आगे का भी दुख हो सकता है, और वही नरक है। हम देखे ऐसे कितने धक्के खाए हैं,
हर मनुष्य का अपना रोना है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे उदास, और दुखिया सब संसार है एक सुखी राम का दास। सबके अंदर किसी प्रकार की समस्या है, इसलिए कहा जाए कि धक्के खा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। बोलो खा रहे हो कि नहीं खा रहे धक्के? महाराज कसम खा के आए आखिरी तक धक्के ही खाएंगे। काश मनुष्य इसकी पड़ताल करे और अपनी गलतियों का सुधार कर ले तो फिर उसे और धक्के खाने की जरूरत नहीं। संत कहते हैं अभी तक तुमने धक्का खाया है, अगर बचना चाहते हो तो एक धक्का मारो और आगे बढ़ो। क्या करो? धक्का दो या धक्का मारो? किसको? देखिए धक्का देना क्या होता है, धक्का किसको देते हैं? नहीं, धक्का कई संदर्भ में दिया जाता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। धक्का देना रुकी हुई गाड़ी को पुश करने का मतलब है धक्का देना, बंद दरवाजे को खोलने के लिए पुश करने का मतलब है धक्का देना, रुकावट को मिटाने के लिए धक्का दिया जाता है, होता है ना? धक्का दो जोर लगा के ऐसा होता है, ये धक्का देना है। धक्का खाते खाते तुम्हारी बुद्धि जड़ता क्रांत हो गई है, वो एक जगह केंद्रित हो गई, उसको आगे का पीछे का कुछ नहीं सूझता। जब मनुष्य घोर हताशा से ग्रसित हो जाता है तो जहां रहता है वहीं रम जाता है, उसके सारे रास्ते उसके लिए बंद से दिखने लगते हैं, वो कुछ नहीं होता। तो संत कहते नहीं, धक्का दो धक्का मारो, एक धक्का, अब आगे बढ़ो। धक्का दो, कोई दूसरा धक्का दे तो हो सकता है तुम गिर जाओ, लेकिन इस गाड़ी को धक्का देने के लिए तुम्हें खुद धक्का देना पड़ेगा। एक बार पुश करो जोर से। देखो कभी कभी आप लोगों को गाड़ी में कब धक्का देना पड़ता है? जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, ये अनुभव है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो पीछे से धक्का मारते हैं लोग, और धक्का देने के बाद कितनी देर धक्का मारना पड़ता है? जब तक गाड़ी स्टार्ट ना हो जाए। आपकी गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज ना हो आप ध्यान रखते हो, और कदाचित डिस्चार्ज हो जाए तो ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता, थोड़ा दो चार लोग मिलकर के थोड़ा सा धक्का देते 150 फुट में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हो जाती है भैया, हम लोग कब से धक्का लगा रहे हैं, कब से धक्का लगा रहे हैं? मामला क्या है? गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? और ध्यान रखना, गाड़ी को ऊपर चढ़ाने के लिए धक्का लगानी पड़ती है, नीचे अपने आप आएगी। तो कह रहे अभी तक तुम्हारी गाड़ी गर्त में जा रही, या तो गर्त में चले गई या रुक गई, अब रुकी हुई गाड़ी को धक्का दो, आगे बढ़ाओ, मुझे आगे बढ़ना है, एक झटके में आगे बढ़ना है, अपनी गाड़ी को धक्का दे करके आगे बढ़ाना है। और कोई दूसरा भी है तो उसको धक्का, लेकिन धक्का कैसे देना? पॉजिटिव सेंस में,
एक ने पूछा मैं हिमालय में चढ़ जाऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? मैं हिमालय पर चढ़ गया तो मुझे क्या दोगे? उसने कहा धक्का, ऐसा धक्का मत देना। गिराने के लिए धक्का मत देना, चढ़ाने के लिए धक्का दो। जो अभी तक तो तुम गिरने के हिसाब से धक्का खाए हो, अब धक्का मारो, आगे बढ़ो, चढ़ाओ, अपने आप को चढ़ाओ, अपनी इस जड़ता कांत बुद्धि को जीवंत करो, चैतन्य बनो, तो वो तुम्हारे जीवन की एक उपलब्धि होगी, उससे तुम्हें कुछ हस्तगत होगा, नहीं तो सब व्यर्थ है। एक धक्का पूरी ताकत से लगाना होगा। आप देखिए, कोई मकान हो बहुत पुराना, वर्षों से दरवाजे बंद हो, आपने ताला खोल भी दिया, धक्का, बिना धक्का के दरवाजा खुलता है क्या? नहीं खुलता। तो आप क्या करते हैं? दरवाजा नहीं खुल रहा, रिवर्स हो जाओ, छोड़ो, क्या करते हैं? धक्का मारते हैं, पूरी ताकत से मारते हैं, खुद के बस का नहीं है तो दो चार को बुलाते हैं, भैया धक्का मारो, दरवाजा खोलो। और दरवाजा खोला तो देखते घर में खजाना भरा पड़ा है ना भाई। तुम्हारे हृदय के पट अनादि से बंद है, हृदय के पट अनादि से बंद है, इसको खोलना है तो क्या करना होगा? पुश करना होगा, धक्का देना होगा, जोरदार धक्का मारो, एक बार पट खोल दो, आत्मा के चिन्ह में ही वैभव का भंडार प्राप्त हो जाएगा, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। पर तुम्हें उसका पता ही नहीं कि भीतर क्या है, बाहर भटक रहे हो, तुमने सोच लिया यहां कुछ है ही नहीं। खोलो उसको, अंदर के पट खोलो, अपने अंदर के उत्साह और उमंग के साथ जब उसको तुम पुश करोगे, वो एक बार खुलेगा, जीवन निहाल हो जाएगा। तो हमें चाहिए हम धक्का दें। किसको? किसको? खुद को। जो रुका हुआ उसको किस लिए धक्का दे? आगे बढ़ाने के लिए धक्का दे, नीचे गिराने के लिए नहीं। आगे बढ़ो, चलो 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 चलो, खुद को आगे बढ़ाओ, और कोई तुम्हारे संपर्क में आता है, वो अटक रहा है, तो उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। धीरे 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते 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 हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक बार धक्का दोगे ना तो तुम्हें फिर धक्का खाने की नौबत नहीं आएगी। रास्ता तो केवल एक ही है, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो क्या करना है? धक्का देना है, अपनी गाड़ी को रुके नहीं रखना है। और तुम्हारे बस का नहीं है हमसे धक्का लगवा लो, समझ गए? धक्का खाना, धक्का देना, धक्का लगाना या लगवाना, तो तुम्हारे बस का नहीं है, तो चलो हम लोग धक्का लगा देते, लगा ही रहे, लेकिन क्या करें, तुम अपनी गाड़ी स्टार्ट करना चाहते ही नहीं। गाड़ी को स्टार्ट करना चाहो तो हल्के से धक्के से गाड़ी दौड़ जाएगी, और स्टार्ट ही न करना चाहो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने का लक्ष्य बनाइए, जहां मैं हूं उससे आगे बढ़ना है। ये जीवन मुझे बहुत दुर्लभता से मिला है, कल जहां था उससे आज मुझे आगे बढ़ना है। अपने जीवन में कुछ आंतरिक उपलब्धियां अर्जित करनी है,
केवल गोरख धंधे में उलझ करके नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। बहुत धक्का खा लिया, अब मुझे धक्का मारकर आगे बढ़ना है। और अपने से नहीं बने तो एक बार धक्का लगवा लेना है। देखो आप और हम में क्या अंतर, हमारी रुकी गाड़ी थी, हमारे गुरुदेव ने एक बार धक्का लगाया और हम आज सरपट दौड़ रहे हैं। क्यों? हमारी गाड़ी स्टार्ट थी, हम तैयार थे अपनी गाड़ी को चलाने के लिए। हल्का सा पुश हुआ और गाड़ी सरपट दौड़ गई 140 की स्पीड में, आज भी दौड़ रही है। कोई चिंता नहीं, सर्विसिंग की पूरी व्यवस्था है। ये कह रहे पुरानी गाड़ी, ये गाड़ी कितनी भी पुरानी हो जाए, ध्यान रखना नरभव की गाड़ी की ब्रांड इतनी अच्छी है कि पुरानी होने के बाद भी इसकी तीव्रता, इसकी गति कभी नष्ट नहीं होती, ये चल सकती है, चल सकती है। हाँ, जब तक तुम्हारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त ना हो, सलामत है तो पुरानी है चलेगी, दुर्घटनाग्रस्त ना हो। तुम्हारे जीवन में जब तक रोग आदि का उद्रेक ना आए तब तक तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। यावत स्वस्थो अयम देह यावत मृत्युश्च दूरतः तावत आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यसि। कि जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम 80 वर्ष के हो गए कोई चिंता नहीं, स्वस्थ हो, यावत मृत्युश्च दूरतः जब तक मौत निकट ना आए, तावत आत्महितं कुर्यात् तब तक अपनी आत्मा का हित करो। प्राणान्ते किं करिष्यसि, प्राणांत हो जाने के बाद तुम क्या करोगे? आगे बढ़ो। पर कुछ लोग हैं जिनको धक्के खाने की आदत है, और धक्का क्यों खाते? अपने मोह के कारण खाते। एक सेठ जी थे, बड़े दुखी थे, और दुखी स्थिति में प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान कितना धक्का खाया हूं, कब तक खाना पड़ेगा? न बेटा पूछता है, न पत्नी पूछती है, शरीर भी अब लाचार हो गया है, हे भगवान मेरा बेड़ा पार करो, हे भगवान मेरा बेड़ा पार करो। कहते हैं संयोगता भगवान उधर से गुजर रहे थे, ऐसे भगवान नहीं गुजरते, मेरी कहानी में गुजरे हैं, भगवान गुजर रहे थे। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी, कहा ठीक तो बहुत दुखी है, एक काम कर, चल मैं तुझे अपने पास ले चलता हूं, चल मैं तुझे अपने पास ले चलता हूं, वहां ये कोई दुख नहीं होगा। अच्छा भगवान आप ले चलो, हाँ ले चलो।
चलो अब तो चलो। बोले भगवान काहे मेरे पीछे पड़े, और कोई नहीं मिला क्या? मेरे ही पीछे क्यों पड़े और कोई और नहीं मिला क्या? यथार्थ में दशा यही है। सब जानते वे भी अंधा बने हो, धक्का खाने की आदत है, खाते रहो नहीं। जिंदगी में हमने बहुत धक्के खाए हैं, अब धक्का खाना नहीं है, धक्का देना है या धक्का लगवाना है। धक्का लगाओ या धक्का लगवाओ। और एक बार हमें धक्का लगा दी किसी ने तो अब गाड़ी रोकने नहीं देना है, चलना है चलना है चलना है। तुम लोगों की सबकी गाड़ी में धक्का तो थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन तुम लोगों की दशा ये 10-150 मीटर जाते फिर गाड़ी जहां के तहां रह जाती। नहीं, उसको ठीक करो, बार बार धक्का लगवाने की जरूरत ना पड़े। गाड़ी को एकदम व्यवस्थित रखो, अपडेट रखो, और एक बार धक्का लगे तो सरपट मुझे अपने गंतव्य पर जाकर के चैन लेना है, यहां कहीं विश्राम नहीं करना। वो तुम्हारे जीवन की उपलब्धि होगी और उसी से जीवन का सच्चा आनंद होगा। तो धक्का लगाइए या धक्का लगवाइए। हम बैठे धक्का लगाने को, चिंता मत करना। दूसरे तुम्हें धक्का देते हैं तो तुम नीचे गिरते हो, ऐसे धकियाने वाले तो बहुत बैठे कदम कदम पर, है ना, जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए आमादा है। एक संत का ही हृदय होता है जो औरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और धक्का लगाते हैं, चलो मेरा तुम्हारे लिए संबल है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यदि व्यक्ति के पीठ कमर पर किसी ने थोड़ा सा सहारा दे दिया तो कमजोर आदमी भी पहाड़ चढ़ सकता है, कमजोर व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ सकता है। जिसे सदगुरु की कृपा की छाया मिल गई, जिसे सदगुरु का आश्रय मिल गया, वो सिद्धालय तक पहुंच सकता है, ये योग्यता उसके भीतर है। तो वहां उनसे धक्का लगवाओ, संपर्क बनाओ। मेरी गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए, मुझे और मुझे केवल आगे और आगे ही बढ़ना है, ये प्रयास मेरा होना चाहिए। जब ऐसा प्रयास होगा तो वो हमारे जीवन की एक अभूतपूर्व उपलब्धि बनेगी, उससे हमारा जीवन धन्य होगा। तो धक्का खाना, धक्का देना, धक्का लगाना या लगवाना और धक्का पहुंचाना, पहुंचना या पहुंचाना, धक्का पहुंचना, ये क्या है? आपको कभी धक्का पहुंचा? धक्का पहुंचने का मतलब क्या? आघात होना। आपके मन में धक्का कब लगता है, कब पहुंचता है? धक्का लगना, धक्का पहुंचना एक सेंस में, कब? जब हम किसी से कोई आशा, अपेक्षा या उम्मीद रखते हैं और परिणाम उसके उलट होता है तो क्या होता है? धक्का लगता है। आप क्या करते हैं? शॉक्ड। या कभी एकदम अप्रत्याशित, अकल्पनीय कोई घटना घट जाती है तो क्या होता है? धक्का पहुंचता है, पहुंचता है। तो पहला काम तो ये करो कि मैं किसी को धक्का पहुंचाऊंगा नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होने दूंगा जिससे किसी को धक्का पहुंचे, वो परेशान हो, मेरे कारण आहत हो। क्योंकि किसी के मन को आघात पहुंचाना एक प्रकार की हिंसा है, ये प्राणों का आघात है। इसलिए हमारे यहां बोला गया है ऐसा बोलो जिससे किसी को आघात ना हो, ऐसा व्यवहार करो जिससे किसी को आघात न पहुंचे। अपने व्यवहार को इतना संतुलित रखो
भी किसी को किसी प्रकार का आघात न पहुंचे। आप लोग कहते ना, हम आपको धक्का पहुंचाना नहीं चाहते, हम आपको आपको धक्का पहुंचाना नहीं चाहते, यानी आपके मन को हम कभी आहत करना नहीं चाहते। ये अपने देखो, किसी को धक्का पहुंचाना, किसी के हृदय को ठेस देना, क्या ये उचित है? आज से मन में एक संकल्प लो कि मैं अपने जीवन में किसी को कभी धक्का नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूंगा जिससे उसको धक्का लगे, ठेस पहुंचे, क्योंकि ये एक प्रकार की हिंसा है और कभी कभी इसके बड़े भयानक परिणाम आते हैं। कई लोग वो ऐसा गहरा आघात लगता है कि लोग या तो आत्महत्या कर लेते हैं या उनके हृदय में बैर और प्रतिशोध की भावना ऐसी प्रबल होती है कि एक दूसरे की हत्या कर डालते हैं। कभी मत करना, अपने प्रत्येक क्रिया के प्रति इस बात का ध्यान रखो और सामने वाले के मान सम्मान का ख्याल रखो। बारीकियां देखो। देखिए, आपको एक अपने अनुभव की बात करता हूं। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे सामने कोई व्यक्ति कहीं तकलीफ ना पाए। एक दिन मैंने कहा था कि बड़ा आदमी कौन, बड़ा आदमी कौन जिसके पास जाने वाला आदमी अपने आप को छोटा महसूस ना करे, उसको मानना बड़ा आदमी। एक घटना आपको बताता हूं। मैं भोपाल में था, बहुत चौके लगते थे। एक ऐसा चौका था जिनका पूरे चतुर्मास चौका लगा, वो व्रती थे, साधारण परिस्थिति के थे, जो अपने लिए बनाते थी वही लगता था, और संयोग उनके चौके में मेरे 9 बार हार हुए, और जब जब मेरी जटिल विधि हुई प्राय उसी के यहां मिला, और उनके चौके में मुझे एक चीज भी अलग करने की जरूरत नहीं रहती थी क्योंकि वही आइटम रहता था जो रोज का भोजन होता है। संयोग एक दिन जब उसके चौके में मेरा हार हुआ और पड़ोस में एक किसी बड़े संभ्रांत परिवार में चौका लगा था, उनका चौका खाली, वो थाल भर भर के ले आए, बहुत सारे आइटम बनाए होंगे। मैंने देखा कि ये सब चीजें लेके आ रहे हैं, उसे उस गृहिणी ने देखा जिसके चौके में मेरे आहार हुए, मुझे लगा कि इसको बड़ा दुख हो रहा है, कि दुख इस बात का कि मेरे चौके में महाराज आ गए और मैं कुछ बना नहीं सकी। मुझे उसकी भावनाओं को समझने में एक पल का विलंब नहीं हुआ, मैंने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आहार लिया, लेकिन उस चौके से बाहर का एक दाना नहीं लिया, सबका सामान एक तरफ कर दिया, एक दाना नहीं लिया। आहार के उपरांत जब वो परिवार आया, अकेले में मैंने उनको बोला कि देखो, आप लोगों ने साधु को आहार देने का मनोभाव बनाया, बहुत उत्तम कर, अच्छा कर, और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दान देने का भाव श्रावक को होता है, रहना चाहिए, पर देखो तुम तो 3-4 दिन के लिए लगाए और रोजमर्रा का तुम्हारा जो खान पान है तुम जानो, वो तो पूरे रोज लगाने वाले रोज तो ये व्यवस्था हो नहीं सकती, पर तुम इतने सारी सामग्री लेकर के दूसरे चौके में गए, उससे पहले थोड़ा सोचते तो कि इसका असर क्या होगा। पहला तो ये कि आजू बाजू के लोग सोचेंगे महाराज कितना खाते हैं, मैं तुम तो थाल भर भर के लेके गए, महाराज ने तो एक कौन लिया, पर लोगों को देखने में क्या आएगा, थाली। तो ये विवेक। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो, तुम्हारे इस कृत्य से उसके मन पर क्या असर पड़ा। तो परिवार के लोगों ने कहा, महाराज इतनी सूक्ष्मता से भी कोई विचार कर सकता है, ये आज हमने पहली बार देखा।
ये समझना चाहिए। ये केवल उदाहरण आपको दिया है। कभी ऐसा कोई कृत्य न करो कि किसी को धक्का लगे। कुछ लोग होते हैं, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो लगना है लग जाए। नहीं, सच बोलो पर प्री बोलो। नरेश समझ गए ना, सच बोलो पर प्री बोलो। कड़ी भी दवाई भी पिलानी हो तो बतासे में डाल करके दो। समझ गए, बतासे में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा धर्म है, हम सच्चा को जितना महत्व देते हैं उससे ज्यादा महत्व अच्छे को देना चाहिए। हम सच्चे बने पर अच्छे बने, अच्छे होने के साथ सच्चे बने तो मजा है। तो धक्का पहुंचाने का काम कभी मत करो, और धक्का पहुंचे, मुझे कोई धक्का ना पहुंचाए ऐसी व्यवस्था मेरे पास नहीं। कदम कदम पर निमित्त है, किसका किसका मुंह बंद करेंगे बोलो। ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है कि हणिये के ऊपर ढक्कन लगाया जा सकता है। हणिया समझते हैं, मटका। हणिये के ऊपर ढक्कन लगाया जा सकता है, मनुष्य के मुंह पर नहीं। समझ गए, हमको कोई कुछ ना बोले, मेरे साथ कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी ना हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर मेरे साथ कैसी भी घटना घटे या मेरे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं उससे प्रभावित ना हूं, ये मेरे हाथ में है ना। वो क्या करे उसके लिए सूत्र दे रहा हूं आपको। कभी धक्का नहीं पहुंचेगा, कभी धक्का नहीं पहुंचेगा। कोई अघट घटे उसे कर्मोदय मानकर स्वीकार लो, धक्का नहीं पहुंचेगा। और एक श्रद्धान ऐसा बनाओ कि मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, दुनिया उलट से पलट हो जाए तो भी मेरा कुछ अंदर का बिगाड़ नहीं होने वाला। और यह शाश्वत सत्य है कि नहीं बोलो, इस पर विश्वास रखो। लोक को डमरू की तरह नचा देने के बाद भी मेरी आत्मा का बिगाड़ नहीं होने वाला, पक्का श्रद्धान रखो। और संसार के जितने भी संयोग है वो कर्मोदय से होते हैं, ये अपने हृदय में रखो। कोई कितना भी करे धक्का लगेगा बोलो। हाँ, अरे मुझे बड़ा धक्का लगा। क्यों लगा, क्यों? अरे कर्म का उदय है, हो गया, घटना घट गई, घट गई। बिगड़ा है तो ऊपर का बिगड़ा है, भीतर का तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धान जिस दिन तुम्हारे मन में गहरा हो जाएगा, तुम्हारे सामने वज्र भी टूट जाए तो तुम नहीं हिलोगे, वज्राघात भी हो जाए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मजबूत बनाइए अपने आप को, अंदर से स्ट्रांग बनाइए, और तत्व ज्ञान और अध्यात्म बोध ही हमें भीतर से मजबूत कर सकता। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, चाहे कैसी घटना घट जाए मैं विचलित नहीं होऊंगा। ठीक है, होता है ऐसा, ये संसार का चक्र है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा हुआ, हम किसको धक्का माने। मेरे लिए ना कोई इष्ट है ना अनिष्ट है, इष्ट अनिष्ट तो सब कर्म के संयोग है और बुद्धि की कल्पना। मैं आज जिसे इष्ट मानता हूं कल वही अनिष्ट हो जाता है, और जिसे अनिष्ट मानता हूं वही इष्ट बन जाता है। ये तो खेल है, क्यों मैं इसे प्रभावित हूं जिससे मुझे धक्का पहुंचे। और कोई कुछ ऐसी बात बोल दे तो आप उसे अनसुना कर दो, धक्का कहां लगेगा। अरे मुझे बड़ा धक्का लगा, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा धक्का लगा। हिला दिया क्या महाराज,
तन से हिलाए तो फर्क नहीं पड़ता, पर मन हिल जाता है। ये कमजोरी है। सुन करके अनसुना करना शुरू कर दो, उसकी बात को सकारात्मक तरीके से लेना शुरू कर दो, सामने वाले का स्वभाव मानना शुरू कर दो और अपने पापोदय का परिणाम मानना शुरू कर दो। क्या आघात पहुंचेगा? पहुंचेगा? बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। मन आनंदित रहेगा, जीवन में एक अलग प्रकार की रसानुभूति होगी। तो चार बातें आज आपसे की। मूड तो मेरा नहीं था आज प्रवचन का, लेकिन यहां भी धक्का लग गया। धक्का खाना बंद करो। क्या करना है? क्या करना है? धक्का खाना बंद करना है। और क्या करना है? धक्का लगाना है या लगवाना है? धक्का खाना बंद करना है, धक्का लगाना है या लगवाना है? और कभी किसी को धक्का पहुंचाना नहीं है, और खुद के लिए कभी धक्का पहुंचे ऐसी स्थिति नहीं लाना है। यदि ये बातें हमारे जीवन में घट गई तो हम अपने मन के राजा बन जाएंगे। जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे मन के राजा बनिए, जीवन में रस लीजिए, आनंद लीजिए, जो हमारे जीवन की शाश्वत उपलब्धि होगी। तो धसे धक्का, धक्का लगाना या धक्का देना चढ़ाने के लिए, गिराने के लिए नहीं। गिराने वाले कदम कदम पर मिल जाते हैं, चढ़ाने वाले बिरले मिलते हैं, दुर्लभ होते हैं। हम हमेशा चढ़ने और चढ़ाने की बात करें, बस ये बात हमारे दिल दिमाग में बैठ जाए कि आज जहां मैं हूं कल उससे बेहतर मुझे बनना है। आज जहां हूं आने वाले कल को मैं उससे कुछ बेहतर बनूं। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़िए, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम मंजिल तक पहुंचेंगे। तो बस धक्का लगाना है, ताकि हम धक्का खाने से अपने आप को बचा सके। मंगल भावना के साथ विराम लूंगा। आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ संपन्न होने जा रहा है। पहले 48 मंडल की बात थी, क्षेत्र वालों ने बोला महाराज 52 हो जाए, 52 गजा। हमने कहा ठीक है भैया 52 कर लो, लेकिन 52 की घोषणा हुई 57 नाम आ गए। मुझसे निवेदन किया महाराज कुछ और बढ़ा दे, चूंकि यहाँ जो मैदान है छोटा है, उसको देखते हुए हमने 64 की अनुमति दी थी। 64 हो गए थे, संयोग से 3 कैंसिल हो गए, लेकिन वापस आ गए। अब केवल अब तक की सूचना के अनुसार 1 नाम बचा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो भी लोग अपनी इस विधान में सहभागिता देना चाहते हैं जरूर ले, वो एक अलग आनंद की अनुभूति है। मंडल में आप सम्मिलित हो सके हो ही नहीं है तो जो और दूसरी व्यवस्था, उसके लिए भी बहुत थोड़ी व्यवस्थाएं समिति के पास शेष है, आप लाभ लीजिए। ये जीवन का एक अभूतपूर्व अवसर है, जहां एक साथ 64 वेदी हो, 64 मंदिर हो, 64 मंडल हो, प्रत्येक पर बीजाक्षर हो, और प्रत्येक परिवार अपना स्वतंत्र विधान करे। संस्कृत का मूल विधान, जिसका समस्त मंत्रोच्चार गुरुओं के मुखारविंद से हो, इससे अच्छी बात और क्या होगी। ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व अवसर है। जो लोग यहाँ प्रत्यक्ष लाभ लेने का अवसर पा रहे हैं वो लेते रहे, क्योंकि कईयों की अभी नाम यहाँ एंट्री चालू है, क्योंकि कई के आयन मौके पे कोई संयोग बन जाए, बदल जाए, इसलिए यहाँ वेटिंग की व्यवस्था है। अभी भी जिनकी इच्छा है वे शीघ्र अपने नाम जरूर दे और इसमें अपनी सहभागिता दे। कदाचित ना आ सके तो आप अपना जो भी सहयोग दे सको दो, घर बैठे विधान करना। चैनल पर इसका पूरा प्रसारण होने वाला है। आप जैसे पिछले विधानों को देखे,
यहां द्रव्य चढ़वा दो, तुम्हारा काम जो भी अपने तन मन धन का सहयोग दे सकते हैं, ये सब बड़े भाग्यशाली है। बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया है, दे रहे हैं, आगे भी देंगे। आप ऐसे ही अपना उत्साह बना करके रखिए और ये अनुष्ठान जैन जगत का एक अभूतपूर्व अनुष्ठान बने, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक बने। इस मंगल भावना के साथ मैं मंगल भावना बोलूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, नहीं पैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, मैत्र प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, राग देश ओमो मिट जाए आत्म निर्मल हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो,